आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ गुड़ की खीर, जो बहुत ही मज़ेदार बनती है और ये सर्दियों में बहुत ज़बरदस्त लगती है खाने में। तो मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल डेली खाने को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली के खाने। आज मैं बना रही हूँ गुड़ की खीर। उसके लिए जी मैंने चावल लिए थे 1 कप। इसको मैंने 3 से 4 दफ़ा अच्छी तरह से धो के 15 मिनट हो गए इसको भी घोए हुए। और यहाँ मैंने गुड़ लिया है 1.5 डली, एक आधा टुकड़ा है, एक फुल ढली यानी कि बड़ा टुकड़ा है। उसके अलावा कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, दूध है मेरे पास 1 लीटर। और यहाँ मैंने देसी ली है, इसमें मैंने डाल दिया पानी बॉईल करने के लिए। इसमें हम डाल देंगे चावल। चावल डालने के बाद इसको हम कवर कर देंगे जब तक हमारे चावल अच्छे से पक नहीं जाते। यहाँ लिया है मैंने एक सॉस पैन, इसमें मैं डाल दूंगी गुड़ जो है 1.5 डली, और साथ में डाल दूंगी इसके मैं सब्ज़ इलायची, ये 3 है सब्ज इलायची, साथ थोड़े से दाने थे इसके, इसमें खुशबू आ जाएगी इसकी साथ ही। अब हम चाशनी बना देते हैं गुड़ की, वहाँ हमारे चावल बॉयल हो रहे हैं, फिर आपसे मिलती हूँ। चावल अच्छी तरह से गल गए थे, अब इसको हम गोटा लगाएंगे, इनको यकजा कर लेंगे। गोटा मैंने लगा लिया, थोड़ी सी कसर रह गई। अब इसे हम डाल देंगे दूध जो मैंने लिया था 1 लीटर। दूध के साथ हम इसको ऐसे ही मिक्स करते रहेंगे, गोटा लगाते रहेंगे, और ये हमारी अच्छी से जो खीर है ना घुल मिल जाएगी। फिर इसमें हम डालेंगे गुड़। दूध के साथ मैंने चावलों को अच्छी तरह से पका लिया है, काफ़ी हद तक ये घुल गए हैं इसके अंदर। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट, इसमें है खोपरा, बादाम और किशमिश, ये मैंने थोड़े थोड़े डाले हैं, बाकी हम ऊपर गार्निश करेंगे उसके। और यहाँ हम डाल देंगे चाशनी जो मैंने गुड़ की बनाई थी। इसको डालेंगे स्ट्रेनर के साथ, छान लेंगे, फौरन इसको मिक्स कर देंगे। गुड़ का मैंने डाल दिया था शीरा चाशनी, अब उसके साथ इसको मज़ीद घोटा लगाऊंगी 10 मिनट के लिए। गुड़ का शीरा चाशनी डालने के बाद इसको मैंने मज़ीद 10 मिनट घोटा लगाया था। यहाँ अगर आप टेस्ट करते हैं मीठे का आपको कम लगता है तो मज़ीद इसमें आप 1/2 डली गुड़ की डाल सकते हैं। अगर आप इतना ही मीठा खाते तो इतना ही रहने दीजिए, अगर आप तेज़ खाते हैं तो आप 2 ढली गुड़ ले सकते हैं। और चाशनी आपने बिल्कुल ठंडी करके डालनी है, गर्म गर्म नहीं डालनी, जो दूध हमने पकाया था चावलों के साथ वो फट जाएगा। ठीक है जी, अब ये हो गई है हमारी खीर तैयार गुड़ की। इसको मैं निकाल लेती हूँ बाउल में। मज़ेदार सी हमारी गुड़ की खीर तैयार है। मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल डेली को खाने को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।